दुनिया जहां ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, फिर भी आज सेक्स को एक हवा ही माना जाता है। सेक्स से संबंधित समस्याओं पर शर्म और संकोचवश कोई खुलकर बात ही नहीं करता, जिसकी वजह से उसका जीवन दिनों दिन अंधेरे में घिरता चला जाता है। इस अंधेरे में उजाले की किरण बनकर आपकी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के जैन। संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना, संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना और निज शरीर को तुम्हें खूब है स्वस्थ बनाना। यौन रोगों से मुक्ति मिली है, जीवन में सुख शांति मिली है, बर्लिंगटन क्लिनिक याद रहेगी, जिससे जीवन को नई दिशा मिली है। डॉक्टर एस के जैन बर्लिंगटन क्लिनिक लखनऊ से तो आप वाकिफ ही हैं। जिंदगी के कल के वे हसीन पल बने रहेंगे आज और बने रहेंगे कल। जीवन की फिर एक नई शुरुआत डॉक्टर एस के जैन के साथ। नमस्कार, सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असलम रजा आबिदी। दोस्तों, आधुनिकता के इस दौर में जहां हर चीज बहुत तेजी से बदल रही है, वहां सेक्स के मायने में भी बहुत बदलाव आ रहा है। सेक्स की नकारात्मक सोच को किस तरह सकारात्मक रूप में बदला जाए, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम सेक्स से जुड़ी समस्याओं और भ्रांतियों पर इस शो में लगातार चर्चा करते आए हैं। आज भी एक और नए मुद्दे पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट फेमस साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन साहब के साथ। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य की चाहतें, उमंगें और जरूरतें उसके साथ चली हैं। इन स्वाभाविक जरूरतों में सबसे प्रमुख है सेक्स, यानी एक आनंदपूर्ण सामाजिक जीवन। इसलिए जरूरी है कि हमें सेक्स के प्रति सही जानकारी मिले और गलत उपायों से हम अपना जीवन नष्ट ना करें। कुछ इसी तरह का कार्य कर रहे हैं इस विधा के पुरोधा भारत के शीर्ष साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर एस के जैन ने प्राचीन आयुर्वेद पद्धति के साथ आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का मिश्रण करते हुए बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इस क्लिनिक के द्वारा एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। और इस कार्य में डॉक्टर जैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है उनकी मेहनती व सेवाभावी रिसर्च टीम। डॉक्टर जैन को इन्हीं प्रयासों के कारण अनेक बार कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एस के जैन एक ईमानदार, सफल तथा विश्वसनीय व्यक्तित्व हैं। आप मानव समाज के लिए एक वरदान हैं। डॉक्टर जैन के लंबे अनुभव का लाभ लाखों लोगों ने लिया है और अब बारी है आपकी। तो आइए स्वागत करते हैं मशहूर और मारूफ साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन साहब का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत सेक्स एजुकेशन एंड इंक्वायरीज में। यू वेलकम। डॉक्टर साहब, सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। ये ईमेल आया है, लिखते हैं कि सर, मेरी समस्या यह है कि मैं पत्नी के साथ संभोग करने के बाद भी जी हस्त मैथुन करता हूँ, और ये क्रिया स्वाभाविक है या कोई बीमारी है? यदि बाई दिवे पत्नी के साथ में आपने संबंध बना लिया तो मैं समझता हूँ कि आपको फिर मास्टरबेट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऐसा अमूमन उन्हीं केसेज में होता है कि जो लोग या तो ओवर मास्टरबेशन के पहले से आदि रहे होते हैं या यूं उसको आप समझ लें या कहा जा सकता है कि वो लोग या वो मरीज जो शीघ्र पतन के ऑलरेडी मरीज हैं, यदि उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर के साथ में संबंध बनाया और उसमें बहुत जल्दी शीघ्र पतन का मतलब ही है जल्दी डिस्चार्ज हो जाना विदाउट सेटिस्फैक्शन,
तो जब सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ और आपने संबंध बना लिया तो दैट इज ए जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी, एंड आफ्टर दैट जब आपके अंदर मतलब जो वो फिर से मतलब जो वो ये इच्छा हुई कि मैं अपने को सेटिस्फाई कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, तो आपको मास्टरबेट करने की इच्छा होती है, तो एक्चुअली दिस इज नॉट ए गुड थिंग। यदि बाई दी वे आपके अंदर कोई शीघ्र पतन जैसी समस्या है तो आप उसे मतलब जो वो किसी से मतलब वो शेयर करें, उसे छिपाएं नहीं। और यदि आप शेयर करेंगे, जैसे आपने इस पर्सन को पूछा मैं आपकी बहुत दाद देता हूं, और इस पर्सन के माध्यम से मैं अन्य लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि अपने मर्ज को कभी भी शर्म संकोच में छुपाए नहीं, बल्कि उसको किसी एक्सपर्ट से शेयर करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने किसी भी समस्या को छुपाए नहीं, उस पर खुलकर बात करें, और ये मंच इसीलिए है, आप हमें फोन कर सकते हैं अपनी समस्याओं के साथ। और डॉक्टर साहब एक और ईमेल है, ये भी मिलता जुलता है, ये कहते हैं डॉक्टर साहब सेक्स शब्द सुनते ही मुझे कुछ होने लगता है और मैं एकांत में जाकर मास्टरबेशन करता हूँ। मैं इतना ओवर एक्साइटेड क्यों रहता हूँ, क्या ये नॉर्मल है या ये कोई बीमारी है, इसका कोई इलाज है? एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि किसी भी चीज़ का ओवर होना या लोवर होना बीमारी का द्योतक है। यदि आपके अंदर वो चीज़ नॉर्मल है तो ये बीमारी नहीं है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये क्या है। और बाद बाकी ओवर एक्साइटेड होना इज नॉट ए वेरी गुड थिंग। नॉर्मल एक्साइटेड होइए, जो सभी के अंदर होता है। इफ़ यू आर ओवर एक्साइटेड इट मीन्स के मतलब जो है वो यू आर नॉट ए नॉर्मल पर्सन। तो दैट्स वाई आप इसमें थोड़ा सा बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट के अलावा आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, और आई विल सजेस्ट यू मोर के मतलब जो वो थोड़ा सा योगा है, ध्यान है, इसके ऊपर आप अपने को कंसंट्रेट करें। यदि आप थोड़ा सा भी अपने मन को स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, इसको ये खुद ही जैसे आपने तरीके बताए सेल्फ कंट्रोलिंग है इसके अंदर, आप उपचार कर सकते हैं। धन्यवाद आपका ये ईमेल करने के लिए डॉक्टर साहब। अगला ईमेल है, ये लिखते हैं कि डॉक्टर साहब डिलीवरी के कितने दिन बाद से पति पत्नी सहवास कर सकते हैं? देखिए ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि आफ्टर द डिलीवरी यू वांट टू नो कि मतलब यह वो कितने बार इंटरकोर्स करना चाहिए। तो वन थिंग इज देयर कि मतलब आफ्टर द डिलीवरी मतलब यह वो जो यूटेरस होता है वो थोड़ा सा मतलब जो है वो डायलेट हो जाता है, कुछ कंस्ट्रिक्ट होने में उसको समय लगता है। तो दैट्स वाई आपको करीब करीब 1.5-2 महीने के बाद ही संबंध बनाने चाहिए और इसके पहले नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप तो साइकोसेक्सोलॉजिस्ट हैं, बच्चे के जन्म के बाद एक माता का जो एक लगाव है बच्चे की तरफ ज़्यादा चला जाता है, तो ऐसा भी देखा जाता है कि उसकी जो सेक्स करने की जो इच्छा है उसमें इस दौरान थोड़ी कमी आती है। जी हाँ, वो कमी आती है, लेकिन वो थोड़े दिन बाद अपने आप नॉर्मली ठीक हो जाती है। यदि वो लॉन्ग में परसिस्ट करती है तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि मैं क्या करूँ। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सटीक जवाब दिया इस सवाल का, और मुझे उम्मीद है कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज में। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09-366-04444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 05224004444। आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही हैं, आरजुएं बेकाबू हो रही हैं, तब कहां हैं हम? कहां हैं हमारे सपने? कहां है हमारी सेहत? जनाब, इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है। जी हाँ, हिंदुस्तान के मशहूर साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर SK जैन। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम तब तक अवेयर ही नहीं होते हैं जब तक कि हम मर्ज की पूरी गिरफ्त में नहीं आ जाते। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, भ्रांति तो मैं समझता हूँ यही है। डॉक्टर SK जैन,
जिन्होंने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड विधानसभा मार्ग लखनऊ को दिया एक नया आयाम, बल्कि पूरे भारतवर्ष और विदेशों से आए हुए मरीजों को अपनी यौन समस्याओं के लिए कामयाब इलाज पाने में न दूरी लगे न देरी। आज हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष से मरीज आते हैं और हम उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। साथ ही अनगिनत मरीज पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। डॉक्टर नितिन रोगियों की मैरिज काउंसलिंग पर पूरा ध्यान देते हैं। डॉक्टर जैन का सपना है सेक्स संबंधी समस्याओं के लिए बेहतर इलाज का सही प्रबंध और मरीजों का धोखेबाजों और नीम हकीमों से बचा। इसी सपने का एक हकीकत रूप है सेक्स संबंधी किसी भी समस्या के विश्वसनीय एवं गोपनीय उपचार की सुविधा स्वयं डॉक्टर एसके जैन की देखरेख में यहाँ उपलब्ध है। सेहत, सेक्स और सुखी जीवन की आस, डॉक्टर एसके जैन का विश्वास। अगर आपकी सेक्सुअल जिंदगी ठहर जाए तो डॉक्टर एसके जैन की क्लिनिक पर आप दस्तक दीजिए। दरवाजा खुलेगा और आप पाएंगे खुशियों का गुलदस्ता लिए खड़ी है डॉक्टर एसके जैन की कुशल और क्वालिफाइड टीम। संपर्क करें बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, बर्लिंगटन क्रॉसिंग 28/A, विधानसभा मार्ग, लखनऊ। आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 0522-400-4444। हमारे मोबाइल नंबर हैं 09935-109999 और 09935-562999। हमारा ईमेल आईडी है drskjainsolutions@gmail.com। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09936-04444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 05224004444। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं वर्ल्ड फेमस साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन साहब और हम यहाँ पर सेक्स से जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं के बारे में, भ्रांतियों के बारे में बात कर रहे हैं जो आजकल के लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन चुकी हैं। आइए इस तरह की और बातों पर चर्चा करते हैं अपने एक्सपर्ट से। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब ये ईमेल है, लिखते हैं कि मेरी पत्नी को ओरल सेक्स पसंद नहीं है लेकिन मेरे को बिना ओरल सेक्स किए तनाव नहीं आता, मैं क्या करूं, क्या ये समस्या का समाधान है कोई? जी देखिए आपको मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि जो अभी आधुनिक सर्वेक्षण हुए हैं, अमेरिका में भी इसकी रिसर्च हुई है, इसमें एक मास्टर एंड जॉनसन्स की प्रोसेस है जिसका कि अर्थ ये होता है कि समान रुचि वाले यदि पार्टनर हैं तो वो चीज़ ज़्यादा खुशहाल होती है, काफ़ी दोनों को संतुष्टि देती है। लेकिन यदि बाई दिवे एक की इच्छा नहीं है और दूसरे की इच्छा है तो इट इज़ नॉट ए गुड थिंग। या तो आप उसको एग्री कीजिए और यदि बाई दिवे एग्री नहीं है तो विदाउट ओरल आप अपने को सेटिस्फाई कीजिए, मेंटेन कीजिए। यदि वो एग्री है देन यू कैन डू ऑल थिंग्स। जी हाँ डॉक्टर साहब, जैसे कहते हैं संभोग, यानी समानता से एक दूसरे का ख्याल रखे, उसी का एक वजन है ये। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। अगला लेटर लेते हैं, लिखते हैं डॉक्टर साहब क्या आप इन्फेक्शन के केसेस का इलाज करते हैं? और इनकी समस्या यह है कि इनके लिंग पर दाने, सूजन और जलन आदि की इनको समस्या है। जी लिंग पे सूजन और दाने, दाने या और जो कुछ भी यूरिनेशन के साथ जो है वो बर्निंग है, बर्निंग मिक्सुरेशन, यानी इसको मतलब जो वो पेशाब में जलन को कहते हैं बर्निंग द मिक्सुरेशन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सभी चीजें किसी भी व्यक्ति के अंदर इन्फेक्शन के कारण होती है, गलत संबंध बनाने के कारण होती है, अनसेफ सेक्स करने की वजह से होती है। और यदि आप थोड़ा सा उसे मतलब जो वो सेफली करेंगे तो आपको ऐसी परेशानियां नहीं होंगी। और जहां तक आपने पूछा कि आप इसका इलाज करते हैं तो मेरे पास अधिकांशतया अधिकतर काफी ऐसे मरीज आते हैं और ऊपर वाले की मेहर है, उसका आशीर्वाद है, ठीक होके जाते हैं। बिल्कुल धन्यवाद आपका ईमेल भेजने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल की जवाब मिला होगा, आपको जरूर जो डॉक्टर साहब ने गाइडेंस दी है उस पर अमल कीजिए।
डॉक्टर साहब अगला ईमेल लेते हैं चंडीगढ़ से, लिखते हैं डॉक्टर साहब मेरे लिंग के ऊपरी सतह पर लाल दाने हैं छोटे छोटे और कुछ दानों में पस भी बढ़ा हुआ है, सर इस बीमारी को क्या कहते हैं और क्या इसका कोई उपचार है आपके पास? मैं आपको बता दूं कि मैंने जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनके साथ भी संभोग किया है और मुझे लगता है कि उसके उपरांत ये बीमारी लग गई है, कोई उपाय बताएं। देखिए निदान तो आपने स्वयं बता दिया है एक तरीके से कि प्रोस्टिट्यूशन प्रोस्टिट्यूट के पास आप गए तो आफ्टर ऑल प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट ए गुड थिंग, काफ़ी इन्फेक्शंस काफ़ी बीमारी क्योंकि वहाँ पे अनसेफ सेक्स होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं, लिहाजा आपको सेफ संबंधों की तरफ गौर करना चाहिए। और यदि बाई दिवे आपको ऐसी परेशानी हो ही गई है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आंख के लिए आंख का डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है, दांत का डॉक्टर डेंटिस्ट कहलाता है, दिल का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है, इसी प्रकार से इन मरीजों के इलाज करने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं उनको सेक्सोलॉजिस्ट कहते हैं और उनमें भी जो क्वालिफाइड होते हैं उनको साइको सेक्सोलॉजिस्ट की संज्ञा दी जाती है। लिहाजा आप किसी भी क्वालिफाइड एक्सपर्ट के पास जाएंगे और यदि वो आपसे इसकी पैथोलॉजिकल जांच करवाने के लिए कहता है कि वेदर इट इज ए वीडी इन द वीडी देयर इज ए सिफिलिस और गिनोरिया और समथिंग एल्स में भी, तो यह है कि यदि उसका प्रॉपर मतलब जो है वो डायग्नोसिस हो जाता है और यदि एक्सपर्ट के मुताबिक आप कायदे से महीने दो महीने लग के इलाज कर लेते हैं आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब लोगों से जो जाने अनजाने में इस तरह की गलती हो जाती है जैसे हमने इस सवाल में देखा, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? असम साहब बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है और मैं ऐसे लोगों से ये एक मैसेज के रूप में कहना चाहूँगा कि ठीक है आप अपना इन्जॉयमेंट कीजिए लेकिन एक सेफ मेथड से कीजिए। मुझे एक बहुत पुराने विद्वान की एक उक्ति याद आ गई है कि वो कहते हैं कि रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, और रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, और मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। तो यदि आप अपने मोहब्बत करने का स्टाइल प्यार करने का स्टाइल थोड़ा सा लिमिटेड रखेंगे सेफ रखेंगे तो आपको कभी भी ऐसी परेशानियां नहीं होंगी और आप हमेशा स्वस्थ और सुखी रहेंगे, ये मेरी दिली अभिलाषा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतना कीमती वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। यू वेलकम। और अब आइए नजर डालते हैं डॉक्टर साहब के 40 साल के सक्सेसफुल कैरियर पर। और मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि डॉक्टर साहब एक पुश्तैनी ही डॉक्टर नहीं है बल्कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। आइए देखते हैं। आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही है, आरज़ुएं बेकाबू हो रही है, तब कहाँ है हम, कहाँ है हमारे सपने, कहाँ है हमारी सेहत? ये तलाश सिर्फ मेरी नहीं आपकी हम सबकी है। इस तलाश में मंजिलें कम भटकाव ज्यादा हैं। तो कैसे मिले मंजिलों का पता, कैसे संवारें इस जिंदगी को, कैसे जवानी दें नए रूप में यौवन को? जनाब इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है। डॉक्टर एस के जैन, हिंदुस्तान के मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट। डॉक्टर एस के जैन एक खानदानी डॉक्टर ही नहीं, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथी दोनों विधाओं के एक कामयाब और क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। तमाश बीनों से आपको बाखबर करने, नीम हकीम खतराए जान से आपका दामन बचाने और आपको सेहतमंद बनाए रखने के लिए सही सेक्स का खूबसूरत और आसान रास्ता दिखाने डॉक्टर एस के जैन अपने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं। इस क्लिनिक के द्वारा डॉक्टर जैन एक ही छत के नीचे प्राचीन,
और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। डॉक्टर जैन के पीछे मेहनतों का एक लंबा और खूबसूरत सिलसिला है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं उनके होनहार बेटे डॉक्टर सारांश जैन और उनकी समर्पित टीम। सेक्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्याओं का कॉन्फिडेंशियल इलाज करने में, जिंदगी को सेहतमंद बनाने में डॉक्टर एस के जैन को महारत हासिल है। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए यह है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, उनकी बातें हमारे और पेशेंट के बीच में ही रहनी चाहिए, तो उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। इवन जो उनके रिकॉर्ड्स हमारे पास रहते हैं वो भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं, और जो पेशेंट्स को जो कार्ड हम रजिस्ट्रेशन कार्ड जो इशू करते हैं उसमें भी कुछ नाम नहीं रहता, उसमें केवल रजिस्ट्रेशन कोड रहता है, तो उनकी आइडेंटिटी केवल रजिस्ट्रेशन कोड के द्वारा ही निर्धारित होती है, ताकि बात जो है हमारे और उनके बीच में ही गुप्त रहे। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जिनकी बुनियाद में है एक खानदानी तजर्बा, मेहनत, ईमानदारी, लगन, विश्वास, सफलता और कुशलता। तो आइए रूबरू होते हैं डॉक्टर एस के जैन से। सबसे ज्यादा गलतफहमियां आज सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि लोग प्रॉब्लम होते हुए भी उसे नहीं मानते, या यूं कह लीजिए कि अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या शर्म संकोच बस अपनी बात कह नहीं पाते, या शायद उसे अपनी ईगो से जोड़ने लगते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ सामान्य व्यायाम से लोगों को चुस्ती फुर्ती देते हैं बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड बर्लिंगटन ग्रुप ऑफ मेडिकल रिसर्चेस की एक यूनिट है, जिसमें हमारे पास है एक बेहतरीन क्वालिफाइड कुशल टीम, जो कि अपने मरीजों को प्री एंड पोस्ट एजुकेट भी करती है, और हम लोग दवाइयों को केवल मैन्युफैक्चर ही नहीं करते बल्कि उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उनको ग्रो करते हैं, उगाते हैं, उसके बाद अपनी लेबोरेटरी में उनकी पूरी जांच पड़ताल करके उन दवाइयों का निर्माण करते हैं और उसे अपने मरीजों की सेवा के लिए उपलब्ध कराते हैं। समाज में सेक्स संबंधित तकलीफों से लोगों को मुक्त कर उन्हें आनंददायक जीवन लौटाने के लिए डॉक्टर एस के जैन को दुनिया के कई प्रतिष्ठित और शीर्ष पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनके अलावा भी आपको देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आप डॉक्टर एस के जैन के अनुभवों का लाभ उठाएं और सक्सेसफुली और सेक्सफुली जिंदगी जिए, समझदारी से, होशियारी से। अगर आप डॉक्टर एस के जैन से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा पता है बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, बर्लिंगटन क्रॉसिंग 28/A, विधानसभा मार्ग, लखनऊ। आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 0522-400-4444। हमारे मोबाइल नंबर हैं 09935109999 और 09935562999। हमारा ईमेल आईडी है drskjainsolutions@gmail.com। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09936004444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 05224004444। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपने सवाल हमें इसी तरह भेजते रहिए, हम आपके सवालों को अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एस के जैन साहब के सामने रखेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस और उसका हल पहुंचा सकें।
आज बस इतना ही, कल अगले एपिसोड में आपकी नई समस्याओं के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज। दुनिया जहां ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, फिर भी आज सेक्स को एक हवा ही माना जाता है। सेक्स से संबंधित समस्याओं पर शर्म और संकोचवश कोई खुलकर बात ही नहीं करता, जिसकी वजह से उसका जीवन दिनों दिन अंधेरे में घिरता चला जाता है। इस अंधेरे में उजाले की किरण बनकर आपकी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के जैन। संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना, संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना और निज शरीर को तुम्हें खूब है स्वस्थ बनाना। देखिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज रोजाना। यौन रोगों से मुक्ति मिली है, जीवन में सुख शांति मिली है, बर्लिंगटन क्लिनिक याद रहेगी, जिससे जीवन को नई दिशा मिली है। डॉक्टर एस के जैन्स बर्लिंगटन क्लिनिक लखनऊ से तो आप वाकिफ ही हैं। जिंदगी के कल के वे हसीन पल बने रहेंगे आज और बने रहेंगे कल। जीवन की फिर एक नई शुरुआत डॉक्टर एस के जैन के साथ।